प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक चाहिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स, और एक स्पीकर चाहिए बड़े साइज का, और एक 4 ohms 20 watts सब ऊपर स्पीकर चाहिए, और एक बोर्ड चाहिए TDA2030, और हम एक 12012 का ट्रांसफार्मर चाहिए, आप 2 ampere का ले सकते हैं, और एक स्पीकर चाहिए हमें, एक पोटेंशियोमीटर चाहिए, आप 47K का भी ले सकते हैं या 100K, फीमेल ऑडियो जैक। हमें इसमें एक होल करना पड़ेगा जहाँ पर हम अपना सबसे बड़ा वाला स्पीकर को लगाएंगे। तो इस साइज का होल कर लेते हैं, हमने इसमें एक होल कर दिया है, इसमें स्पीकर आराम से फिक्स हो जाएगा ये देखिए। अब एक और होल हमें करना है इसके साइड में, यहाँ पर इस छोटे स्पीकर को लगाने के लिए। हमें एक और होल करना डब्बे के नीचे जहाँ पर हम अपना सब ऊपर के स्पीकर लगाएंगे। तो ये हमने एक होल कर लिया है, यहाँ पर हम अपना सब ऊपर के स्पीकर लगाएंगे ये वाला। तो अब जितने भी स्पीकर से सारे को हार्ड ग्लूगन की मदद से चिपका लेते हैं। अब इस बॉक्स में हम अपना बड़ा वाला स्पीकर को भी फिक्स कर लेते हैं दोस्तों। और स्पीकर को अच्छे से ग्लूगन से चिपकाने के बाद इसमें एक स्क्रू भी लगाना पड़ेगा हमें, एक दो स्क्रू लगा देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। अब इस छोटे वाले स्पीकर को भी फिक्स कर लेते हैं। गाइज हमने सारे स्पीकर्स को अच्छे से फिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं सारे स्पीकर्स फिक्स हो चुके हैं। अब हमें कनेक्शंस करने हैं। ये TDA2030 IC एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों। इसका वायरिंग का मैं वीडियो, अगर आप कहेंगे कमेंट में, तो मैं इसका वायरिंग का वीडियो भी बना दूंगा। इसमें वायरिंग करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है वो मुझे कहे, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। अब इसमें हम लोग 12012 का ट्रांसफार्मर को जोड़ लेते हैं सोल्डरिंग की मदद से।
इसमें हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर के तीनों वायर 12012, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लगा रहे हैं स्पीकर्स का वायर जो हमारे स्पीकर में जाएगा। ये जो दो वायर्स मैंने सोल्ड किए ये हैं स्पीकर, ये दो स्पीकर्स के एक एक वायर और ग्राउंड, आप बोर्ड के कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें अपना सब बूफर का स्पीकर का वायर। ये है ग्राउंड, ये दो ग्राउंड हमने लिए हैं, एक हमें इनपुट में चाहिए और एक स्पीकर्स के आउटपुट में चाहिए। और यहाँ पर जोड़ते हैं सब ऊपर का आउटपुट। इस बोर्ड में वायरिंग कैसे करते हैं दोस्तों, अगर आप तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा पूरी बोर्ड पर कि इस पूरे बोर्ड में वायरिंग कैसे करते हैं। और ये मैंने कुछ बॉम के पीस काट के रखे थे जिसे हम नीचे में चिपका लेते हैं, अपने स्टैंड की तरह काम आएगा ये। दोस्तों हमें यहाँ पर दो होल्स करने पड़ेंगे, एक बेस कंट्रोल करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक छोटा पोटेंशियोमीटर और एक वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मैंने एक होल किया है बेस कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर हम लगाएंगे एक 100K का पोटेंशियोमीटर छोटा सा। और एक और होल हमें नीचे करना पड़ेगा जहाँ पर हम अपना ऑक्स का इनपुट देंगे, और एक होल हमें यहाँ पर करना पड़ेगा जहाँ पर हम ये लगाएंगे वॉल्यूम कंट्रोलर। ये देखिए ये मैंने सब फिक्स कर लिया है। अब जितने भी कनेक्शन है बाकी सारे सबको कर लेते हैं। ये है आउक्स, आउक्स का केबल, ये ग्राउंड वायर है, अच्छे से सोल्ड कर लिया हमने। और ये है आउक्स का आरएल राइट लेफ्ट, इसे भी हम पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें अपना ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। अभी सर्किट बोर्ड को ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं इस बॉक्स में।
ये है हमारा बेस कंट्रोल करने का वायर प्लग, जिसे हमें सर्किट बोर्ड में लगाना, तो इसे बोर्ड पे लगा देते हैं। दोस्तों पूरा सर्किट बोर्ड का पूरा जितना भी वायरिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब जितने भी स्पीकर्स हैं सारे स्पीकर्स के कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का जो एसी इनपुट है उसे कनेक्ट कर लेते हैं एक प्लग से। तो ये मैंने बॉक्स के पीछे एक होल किया है जिससे मैंने एक प्लग निकाला है। अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं वायर से। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने सारे कनेक्शंस को कर दिए हैं और सारे कनेक्शंस अब हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफार्मर को भी कनेक्ट कर दिया और सारे में मैंने सेलो टेप से टेप भी कर दिया है। और ये देखिए मैंने नट भी लगा दिया है यहाँ पर। ये दो नट मैंने यूज़ किया है, एक ऊपर एक नीचे, जिससे प्रॉपरली एकदम फिक्स हो गया है। और ये इस साइड वाला लेफ्ट वाला वॉल्यूम कंट्रोलर है और राइट वाला बेस कंट्रोलर, और इसके नीचे में एक ऑक्स का इनपुट है। दोस्तों जो हमारा बेस वाला स्पीकर है उसे फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रू के इस्तेमाल किया है। बिना स्क्रू का ये गिर जा रहा था नीचे। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस बॉक्स को बंद कर लेते हैं और पूरा अच्छे से टेप कर देते हैं। तो फाइनली अब इस बॉक्स को हम बंद करने वाले हैं और इस पर मैं कुछ सेलो टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये बंद रह चिपक गए अच्छे से। तो गाइज अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है टेस्टिंग के लिए। तो चलिए इसे टेस्ट कर। दोस्तों मैं इसे ब्लूटूथ से टेस्ट करने वाला हूँ। आप इसे डायरेक्ट फोन पर भी लगाकर टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन का हेडफोन जैक में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे ब्लूटूथ से टेस्ट कर रहा हूं। तो अब अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टेड सक्सेसफुली। Thank you.
दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं मत जाना भाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे।